नमस्कार। हेलो दोस्तों। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं या सोचते रहते हैं कि वो अपना खाली समय कैसे बिताएं या वो क्या करें अपने खाली समय में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बहुत से लोग इसे बहुत मुश्किल प्रश्न समझते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखा जाए तो ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है। और अगर ध्यान से देखेंगे आप, बहुत से ऐसे काम हमारे आसपास होते हैं, इवन अगर आप अपने अंदर झांके तो अपने अंदर भी आपको बहुत सी ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी जिन्हें आप अपने खाली समय में कर सकते हैं। दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है, इसे हमें कभी भी यूजलेस वर्क्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि पूरे दिन टीवी देखते रहना, या पूरे टाइम इंटरनेट में वीडियोस देखते रहना, या गप्पे मारते रहना, सोते रहना, कुछ ना मिले तो बाहर घूमते रहना, इन कामों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हम यूजलेस वर्क्स में अपने टाइम को वेस्ट करेंगे तो समय से काफी पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है हमें अपने आप को अपडेट रखना। तो फ्री टाइम में जो हमें मिला है, या आगे कभी भी जब भी हम फ्री टाइम हमें मिलता है तो हमें उसका सदुपयोग करना है। फ्री टाइम में हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हेल्थ से हमारी लाइफ बेहद ईजी हो, आगे चलकर उनसे हमें कुछ फायदा मिल सके। दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति अपने खाली समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है, सफलता उसे दूर नहीं भागती। दोस्तों, खाली समय का मतलब ही यही है कि उसका सदुपयोग कर हम अपनी लाइफ ईजी और सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या वो चीजें हैं जो हमें अपने फ्री टाइम में करनी चाहिए, जिनकी मदद से हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें और सफलता की तरफ हम अपना एक कदम अपना आगे बढ़ा पाएं। अगर हम अपने इस खाली समय का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करें तो बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नंबर 1, अपनी लाइफ को रिसेट कीजिए, योजना बनाइए। जी हाँ दोस्तों, प्लानिंग कीजिए। अपने फ्री टाइम में आप आराम से इत्मीनान से बैठकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बना सकते हैं अपने पूरे दिनचर्या का। जैसे सुबह आपको क्या करना है, दिन में आपको क्या करना है, शाम को आपको क्या क्या करना है, नेक्स्ट डे की आपकी क्या प्लानिंग होगी, इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से चलना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सोचने में पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। प्लानिंग करके देखेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से सोच के रखा है कि आपको करना क्या है, और आप फटाफट अपने काम को निपटा सकते हैं। बहुत इजी और जल्दी हो जाता है, समय बचता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। अपने फ्री टाइम में आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी जिसे आप अच्छे से जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, जरूर कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। अगर आप डांस का शौक रखते हैं तो जमकर खुलकर डांस कीजिए, या आपको डांस नहीं भी पसंद तो भी कभी डांस करके भी देखिए, कुछ नया करके आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आप सिंगिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, कोई भी नई डिश आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कुकिंग का शौक नहीं रखते हैं तो कभी कुकिंग करके देखिए, सोचिए कि यार जो इतने लोग जो कुकिंग करते रहते हैं, आखिर इनको ये सब करके क्या मजा आता है, जरा मैं भी करके देखूं। करके देखिए, इंटरनेट में आपको काफी सारी रेसिपीज देखने को मिल जाएगी। कोई भी अच्छी रेसिपी सीख कर आप कुकिंग कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा, कुछ नया करके काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कुकिंग एक इंटरेस्टिंग वर्क है। ये स्किल जरूरत पड़ने पे आपके बहुत काम आ सकती है। तीसरा, फ्री टाइम में घर में साफ सफाई कर सकते हैं। साफ सफाई तो सभी को पसंद है। अलमारी सही कर सकते हैं, फैले हुए कपड़ों की तय करके उनको सही जगह पे रख सकते हैं। फ्री टाइम में आपने कोई भी पेंडिंग काम कर सकते हैं जो काफी समय से अटके पड़े थे, या किसी वजह से, जैसे कि आप ऐसे कपड़े हैं जो फट गए हैं और आप सोच रहे थे कि आज सिलेंगे कल सिलेंगे, ऐसे करते करते आप सिल नहीं पाते, तो आपको अपने फ्री टाइम में इन कपड़ों को आप सिल सकते हैं। कोई भी बिल वगैरह जिन्हें आप अपने बिजी टाइम में इधर उधर आपने रख दिया हो, तो उसे आप अपने फ्री टाइम में बिल को फाइल में लगा सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद हो तो डायरी लिख सकते हैं, ये फ्री टाइम में बहुत अच्छा काम होता है। कोई भी पोएम या शेर व शायरी का शौक रखते हैं तो उसे लिख सकते हैं। कोई चीज आपको अच्छी लगी उस बारे में आप लिख सकते हैं। नंबर 5, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में। ये काफी अच्छा उपयोग है अपने फ्री टाइम को यूज करने का, क्योंकि आपकी सबसे बेस्ट और ट्रू फ्रेंड्स होती हैं ये, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, जीवन में ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ग्रहण करो उतना कम है, उसका कभी अंत नहीं होता है। इसलिए हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहना चाहिए जिनसे हम सफल बन सकें। बुक्स पढ़ने से हमारी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आते हैं। फ्री टाइम में आप अपने पुराने दोस्तों से, जिनसे हम अपनी बिजी लाइफ के चलते भूल गए, उन्हें याद करके फोन पर उनसे बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छी होती है। योग कर सकते हैं, योगा भी अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत जरूरी है। अगर हम रोजाना की दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं अपने शरीर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो फोटोग्राफी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कैमरा ही चाहिए, आप फोन से भी फोटो खींच सकते हैं। दिन भर के काम करते अगर आप थक गए हैं तो अपने लिए फ्री टाइम में आप टीवी देख सकते हैं।
क्योंकि पूरा टाइम काम करते रहना भी सही नहीं है, ज्यादा सीरियस रहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना हम तनाव से दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। कोई भी अच्छी मूवी देख सकते हैं, बस ध्यान इस बात का रखिएगा ये आपको सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम टीवी या फिर इंटरनेट में वीडियोस देखते रहे, पूरा दिन इसी में बिता दिए। ये सब फ्री टाइम में ही देखिएगा। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को अपने जमाने की अच्छी बातें, अच्छी यादें बता सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कोई भी गेम खेल सकते हैं उनके साथ, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज है जो हमारे तनाव को दूर करती है। अपने माता पिता के साथ वक्त बिताइए, उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी। कुछ आप अपनी बताइए, कुछ उनकी सुनिए। फ्री टाइम में आप हेल्प कर सकते हैं मम्मी की, अपने परिवार में किसी की भी, चाहे पापा हो, भाई बहन हो, या हस्बैंड या वाइफ, दादा या दादी। अपडेट रहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपको पता होना चाहिए कि आपके देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि इन सबसे आपकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। फ्री टाइम में आप देश भर से रिलेटेड कोई भी न्यूज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, जैसे आप क्या डाइट ले रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या, आपका आपकी नॉलेज समय के अनुसार बढ़ रही है या नहीं, आप खुद के लिए पूरे दिन में क्या करते हैं, इन सभी बातों का ख्याल रखिए। बिजी लाइफ में अगर शांति की पल मिल जाए तो काफी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आप ऐसे में आध्यात्मिकता के बारे में सोच सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो पीसफुल एनवायरमेंट में बैठकर आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं जो आपको शांति दे, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपने इस वीडियो में जानी, कि आप अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।